निरुद्ध व्यक्ति के काउंसिल ने इस बारे में विवाद नहीं किया है कि आधारों से प्रकट होने वाली ऊपर वर्णित सामग्री से यह बात प्रथम दृष्टतया संतोषजनक रूप से ज्ञात हो जाती है कि निरुद्ध व्यक्ति भारत में माल तस्करित करने के गिरोह में अंतर्वर्लित थे और वह उनका परिवहन कर रहा था और उनका कारोबार कर रहा था विराम, किंतु उसने निरोध आदेश पर इस आधार पर आक्षेप किया कि प्रक्रिया संबंधी रक्षा पायों का अनुसरण नहीं किया गया था, जिससे अधिनियम की धारा 3 के अधीन निरुद्ध करने वाले प्राधिकारियों का अपेक्षित समाधान दूषित हो गया था विराम। उसका निरोध इस आधार पर भी आक्षेपित था कि निरोध आदेश के विरुद्ध उसके अभ्यावेदन पर विचार किए जाने के बारे में स्पष्ट न किया गया, विलंब हुआ था और सीमा शुल्क अधिकारियों की कार्यवाही असद्भाव के कारण दूषित थी विराम। हम आक्षेप के इन आधारों पर एक एक करके विचार करेंगे विराम। पैरा, निरोध करने वाले प्राधिकारी अर्थात सरकार के विरुद्ध असद्भाव का कोई अभिकथन नहीं है विराम। अभिकथन केवल सीमा शुल्क प्राधिकारियों के विरुद्ध है जिन्होंने आदेश पारित करने के लिए निरोध प्राधिकारी को सामग्री प्रदत्त की थी और पिटिशनर के काउंसिल ने इस आधार पर आक्षेप की पुष्टि नहीं की है, किंतु उसने बहुत जोर देते हुए यह बात कही है कि इस मामले में स्पष्ट न किया गया विलंब हुआ है विराम। निरुद्ध व्यक्ति ने अपने निरोध के विरुद्ध 3/9/1981 को एक अभ्यावेदन किया और तारीख 25/9/1981 को ही उसका निपटारा किया जा सका, अर्थात निरोध प्राधिकारी ने उस पर विचार करने के लिए और आदेश पारित करने के लिए 22 दिन का समय लगाया विराम। अपनी इस दलील के समर्थन में उसने उच्चतम न्यायालय के निम्नलिखित 3 संप्रकाशित निर्णयों का अवलंब लिया है, अतियार रहमान बनाम पश्चिम बंगाल राज्य, पवित्र एन राणा बनाम भारत संघ और सालेह मोहम्मद बनाम भारत संघ विराम। राज्य के कथनानुसार अभ्यावेदन करने की तारीख और उसे नामंजूर करने के आदेश की तारीख के बीच 22 दिन का अंतराल था, जिसे संतोषजनक रूप से स्पष्ट कर दिया गया है और अपनी इस दलील के समर्थन में उन्होंने मसूमा बनाम महाराष्ट्र राज्य और LMS अम्मू सलीमा बनाम बीबी गुजराल वाले मामले का अवलंब लिया है विराम। इन विनिश्चयों पर सावधानी से विचार करने पर यह स्पष्ट है कि ऐसे मामलों में उच्चतम न्यायालय द्वारा अपनाया गया अंतर्निहित सिद्धांत यह है कि चूंकि निरोध आदेश व्यक्तिक स्वाधीनता से वंचित करता है, अतः जब तक निरोध प्राधिकारी न्यायालय का यह समाधान न कर दे कि उसकी कार्यवाही उपेक्षापूर्ण नहीं थी और उसने शीघ्र कार्यवाही की है और अभ्यावेदन का शीघ्र निपटारा करने के लिए अपनी चिंता व्यक्त की है, जो निरुद्ध व्यक्ति के लगातार निरोध में बने रहने में खामी आ जाएगी विराम। जो कुछ अनुद्यात किया गया है वह यह है कि जब तक
अभ्यावेदन का एक प्रकार से या दूसरे प्रकार से निपटारा नहीं कर दिया जाता है, तब तक सरकार के संपूर्ण तंत्र का निष्क्रिय हो जाना अनुध्यात नहीं किया गया है। विराम, निरुद्ध व्यक्ति के प्रति एक सांवैधानिक कर्तव्य है और उस कर्तव्य का शीघ्रता से पालन किया जाना चाहिए। विराम, अतः कोई कठोर नियम नहीं है कि अभ्यावेदन किसी नियत कालावधि के भीतर निपटाया ही जाना चाहिए। विराम, किंतु ऐसे मामले में अयुक्तियुक्त और स्पष्ट न किया गया विलंब नहीं होना चाहिए। विराम, इस सिद्धांत के अनुसार यदि इस मामले के तथ्यों की परीक्षा की जाती है तो अभ्यावेदन पर विचार करने में कोई अयुक्तियुक्त विलंब नहीं हुआ है। विराम, स्टॉप।